तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को सीधा बताना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर दिया है ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। क्योंकि आप अगर इस चीज को जान लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, तो भविष्य में कभी आपको पछताने या फिर सर पे हाथ रख के रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही खास चीजों पर चर्चाएं होंगी मेरे दोस्त। पहली चीज आप देख रहे हो, ज्यादातर जो इस समय सर्च हो रहा है गूगल पे, ज्यादातर चीजें वो इंटरटेनमेंट कैटेगरी सर्च हो रहा है, या फिर जो लोग सेक्स से ज़्यादा परेशान हैं या सेक्सुअल प्रॉब्लम से ज़्यादा ग्रसित हैं वो कैटेगरी ज़्यादा सर्च हो रही है। तब उस चीज़ के बारे में आखिर आप क्या सोचोगे अगर ऐसी चीज़ों को देखो? इसके मतलब इससे लोग ज़्यादा पीड़ित हैं। लेकिन ये एक ऐसी समस्या होती है जिससे लोग हम जैसे मुझको ये प्रॉब्लम है तो मैं किसी अपने फ्रेंड से इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। लोगों को शर्मिंदगी लगती है, वो ये नहीं जानते ये तो एक बीमारी है यार, किसी को भी हो सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं ये माइंड प्रॉब्लम होता है, माइंड गेम होता है, कुछ नहीं होता, सब चीज़ सबका नेचुरली होता है, कोई किसी में अंतर नहीं होता, सारा खेल दिमाग का होता है कुछ हद तक। यहाँ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कुछ हद तक, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सारा खेल दिमाग का होता तो यहाँ आप रॉन्ग हो रहे हो मेरे दोस्त, बिल्कुल इस चीज़ को मत सोचना। तो आज मैं जो पोजीशन, मेरी बात ध्यान समझना, आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ, पोजीशन पे मेरी बात होगी, पोजीशन ध्यान समझ रहे हो ना। ये वीडियो वही लोग देखें जिसकी शादी हो गई है, यानी कि जो शादीशुदा व्यक्ति हो, चाहे महिला इस वीडियो को क्लिक कर दी हो या फिर पुरुष इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं, तो फिर पूरा वीडियो देख कर जाना। शादीशुदा लोगों के लिए स्पेशल तौर पे ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ, चूँकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो लोग सेक्स प्रॉब्लम से ना सेक्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग ना मेरे दोस्त, ये खासकर कुछ 10% आप मत समझना कि 10% ही है, 10% लोग फेस कर रहे हैं सेक्स प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ 60% से ज़्यादा लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, सेक्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब यहाँ मैं देना चाहूँगा आपको जो 20% लोग हैं, 20% लोग ये जो है, 20% मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 20% ध्यान से समझना, ये जो 20% के लोग हैं ना, सच में इनका माइंड प्रॉब्लम ही है, इनके दिमाग ही खराब है इनका, जो 20% लोग हैं। बाकी जो 60% प्लस लोग हैं, 60 से 62, 63, 64 रख लो, इतने सारे लोग भाई साहब सच में इस समस्या के शिकार हो गए हैं। और जो बचता है मान लो चाहे 23% बचे या फिर 24% बचे या फिर 22% बचे, कि 22% लोग ये जो हैं ये सच में अपने महिला पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाइज कर पाए हैं, इनके पास अच्छी एजुकेशन है, इनके बारे में इनको सब चीज़ों के बारे में ज्ञान है। तो ये जो 22% या 23% जो भी कुछ बचे होंगे इनको कभी समस्या फेस नहीं करनी पड़ रही है। इसका मेन कारण जान रहे हो मेरे दोस्त, आखिर क्या चीज़ है, क्यों आखिर ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो माइंड प्रॉब्लम की बात किया जाता है कि माइंड प्रॉब्लम है भाई साहब, ये तो इनका दिमाग कहता 30 मिनट होना चाहिए, 40 मिनट होना चाहिए, ये पोजीशन कर ले महिला अच्छे से सेटिस्फाइड होगी, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब तरह तरह की चीज़ें माइंड में हमेशा चलता रहता। देखो पोजीशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान से समझ रहा इस बात को, पोजीशन जो लोग चेंज करते हैं अलग अलग, ये जो पोजीशन पे हमने बात किया ना, आज मैं पोजीशन पे ही डिस्कस करूंगा, ये जो पोजीशन पे लोग ज़्यादा फीलिंग करते हैं इस पोजीशन में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो कभी कभी जो हमारा पोजीशन जब हम चेंज करते हैं ना, तो वहाँ पे ही हम देखते हैं जल्दी डिस्चार्ज होने की संभावना होती है। तो इसलिए आप एक ऐसा पोजीशन ट्राई कीजिए जिस पोजीशन में आप जल्दी डिस्चार्ज ही ना हो और महिला पार्टनर भी आपकी सेटिस्फाई हो जाए, उसको भी उस पोजीशन में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब आप लोगों के माइंड में सवाल चल रहा होगा, दिनेश भाई तो आखिर वो पोजीशन में जानूंगा कैसे कि कैसे? भाई साहब इतने पोजीशन आपने ट्राई किए होंगे, भाई ट्राई किए होंगे आपने बहुत सारे पोजीशन, तकरीबन मेरे ख्याल से तो लोग पाँच प्लस पोजीशन ट्राई कर चुके होंगे, कुछ कुछ लोग तो 10+ पोजीशन ट्राई कर चुके है ना, कर लिए होंगे। तो इतने सारे पोजीशन आपने ट्राई किया, तो ऐसा कौन सा पोजीशन आपको मिला जिस पोजीशन में आपको अच्छा फील हुआ, आपके महिला पार्टनर को भी अच्छा फील हुआ और आपकी टाइमिंग भी ठीक ठाक रही उस वक्त? तो उस पोजीशन को आपने दिमाग में बैठा लीजिए, वही पोजीशन आप कीजिए, लेकिन ध्यान रहे उस पोजीशन में आपके महिला पार्टनर को कोई दिक्कत कोई तनाव नहीं होनी चाहिए, आपकी महिला पार्टनर आपसे सेटिस्फाई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है चीज़, ध्यान समझना मेरे दोस्त। जो ये सेक्स से लोग ग्रसित हैं ना, आधातर लोग इसलिए ग्रसित हैं, जो लोग मोबाइल फ़ोनों में पोर्न वीडियोज़ देखते हैं ना उससे ग्रसित हैं, इनको नहीं पता वो सच क्या है, वो सच दूसरी चीज़ है,
उसमें वीडियो को बहुत तेज किया जाता है, उसमें चीजों को जूम करके दिखाया जाता है, मतलब उसमें हदें पार की जाती हैं जो एक्चुअली में सच नहीं होती। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप कभी भी ऐसी अश्लीलता भरी चीजों को देखकर अपने ऊपर अपने दिमाग पे लागू ना करें जो सच में एक ठीक ठाक स्वस्थ व्यक्ति करता है, जैसे करना चाहिए रियलिस्टिक उसी तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। और बेहतरीन चीज हमें आपको सजेस्ट करूंगा डाइट, और ये तरीका आप, ये एक्सरसाइज आप बिल्कुल भी मत भूलना अपने जीवन में, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका सेक्स प्रॉब्लम, ये जो सेक्स प्रॉब्लम ने कहा ना दोस्त, सच में सॉल्व करने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल लगा होगा, खासकर जितने मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, जितने लोगों की शादीशुदा जिंदगी है, लोग परेशान थे, उनके कुछ डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो अगर क्लियर हुए हैं मेरे दोस्त, वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।